नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर पहुंचकर भरी जीत की हुंकार, किया जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा की जुमलेबाजी से जनता है परेशान। गोरखपुर पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के 5000 विद्यालय। सपा और बसपा के गठबंधन को जनता सिरे से करेगी खारिज। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता, कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है जनता को गुमराह। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सपा और बसपा में हुआ है ठगबंधन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समाज में महिलाओं के योगदान विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। बेसिक शिक्षा मंत्री का हुआ नागरिक अभिनंदन, कहा विकास के नाम पर जीतेगी भाजपा। प्रशिक्षण ले रहे पीठासीन तथा मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रेक्षक ने मतदान के बारीकियों की दी जानकारी, कहा निष्पक्ष संपन्न कराते रहे मतदान। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न, सर्वसम्मति से चुने गए 15 पदाधिकारी। 8 मार्च को गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता विषयक रंगोली बनाओ कार्यक्रम का होगा आयोजन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल से 3 दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण। सीओ कोतवाली के अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। जिले में 102 गेहूं क्रय केंद्र खोलने की जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। जिले में 41,800 कृषकों का हुआ फसली ऋण मोचन वंचित, 10 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत। क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए कंपेनियन वोटिंग को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया सशर्त अनुमति। और आतिफ क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 12 में लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने TNM सहजर्मा को 10 विकेटों से दी करारी शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कई संगठनों और पार्टियों के साथ गठजोड़ करने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक जनसभा का आयोजन गोरखपुर के तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में किया। सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के समर्थन में आए अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों पर धावा बोलते हुए कहा कि जनता जुमलेबाजियों से परेशान हो गई है, योजनाओं को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है और उद्घाटन तो उन्हें उन्हीं की परियोजनाओं का हो रहा है जो कभी सपा सरकार में की गई थी। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, इसके आवाज को उठाते हुए हमारे मंत्री मिला, हम बदलने का काम किया है। अब हम भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय जनता।
जनता पार्टी। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवान साथी प्रवीण कुमार निशा जी मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयू जी डॉक्टर बतूल साहब हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष अजय माता प्रसाद पांडे जी चौधरी जी हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमलाल यादव जी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व रहे प्रत्याशी विजय कुमार यादव जी अमरेंद्र निषाद राम गोपाल निषाद जी पूर्व मंत्री जी शारदा देवी जी गोसेन खान जी से लेकर के राजमणि निषाद जी से लेकर के हमारे पार्टी के बड़ी संख्या में महानगर अध्यक्ष जगत शाम से लेकर के रघु जी से लेकर के मैं जो देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित निषाद पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता साथी पीपल्स पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी जिन दलों ने हमें समर्थन किया है बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्टों के वाम दल के सभी सहयोगी लोकदल से लेकर यहाँ वैसे तो इनके पिताजी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन ये समाजवादी पार्टी के छोटे भाई हैं। ये इंजीनियर हैं और हम ये इंजीनियर हैं। ये जो नई चीज निकली है अगली उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता जो आप सुनना चाहते हो लेकिन पता नहीं क्या बात की कि हम और आप सांप और छछूंदर बन गए। क्या उन्हें नहीं समझा मैं आदमी दुनिया कैसे कर रहा हूं बोलो सांप और छछूंदर की बात कर रहे हो तो मेरे सर ने बिल्कुल घूमकर बैठा हुआ देखा है उनको घूमा बैठा देखा है मैं अपनी आंखों से टीवी पर कभी कभी चलता है कि आंसू कैसे निकले हैं या भांग रहे हो
तकलीफ में परेशानी में बताओ एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं पहुंची। हम समाजवादियों ने समाजवादी एम्बुलेंस ले ली। हमने 108 लोगों को गर्भ की माताओं बहनों के लिए दे दी। हमने लोगों के लिए ये गोरखपुर शहर, मैं इस शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ और मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बताओ शहर में कोई वार्ड बचाओ जिसमें समाजवादी ऐप का पता पहुंचा हो। हम ये कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस वाले नहीं हैं, हम लैपटॉप वाले लोग नहीं हैं, हम दांत और छछूंदर हैं। जब से समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने दिया है तब से हम और वो सांप और छछूंदर बन गए। बताओ मेहनत करने वाले हम, बताओ मेहनत करने वाले लोग हम ये कि नहीं है ये बताओ। और बहुत जोड़ रहे हो हर चीज को तुम, बहुत जोड़ रहे हो आधार से, बहुत जोड़ा अपने आधार से। आप रजिस्ट्री जोड़ लिया आधार से, दोनों रजिस्ट्री जोड़ लिए, नहीं जोड़ लिया आधार से। अब कभी भी रजिस्ट्री करोगे तो आधार से आपको जोड़ना पड़ेगा, ये व्यवस्था करनी है। आपके राशन कार्ड जुड़े आधार से, आपका मोबाइल जुड़े आधार से, सिम कार्ड भी जुड़े आधार से। तो हम कहते हैं भाई सब कुछ जोड़ लिया अपने आधार से, हम लोगों को आधार से जोड़ो और गिरो। और आगामी में कौन जाता है, अगर हम जाता है तो हम सारे वाले लोग और इन तमाम सहयोग करके जो आगामी का हिसाब ध्यान देना है वो हम गिरे हो यही मानने आए हैं। ये चुनाव ये समझ लेना मामूली चुनाव नहीं है, याद रखना। लाल को भी सामने लगाए हो कभी कभी, लाल को भी पहन करके तुम्हें ज्यादा जोश आ जाता है। अगर जोश आपको आ रहा है तो हम लोग भी देख करिए आपसे ज्यादा उत्साह में चले जा रहे हैं, तो हम सब ये हमारी आपकी पहचान है। टोपी के लिए क्या कह रहे हैं लोग, टोपी के लिए कह रहे हैं, टोपी के लिए सोचा होगा क्या कहा उन्होंने टोपी के लिए। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा आपको, हमने तो नहीं कहा। विधानसभा में सुना होगा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने रखा था कहने कि हम हिंदू हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं बताओ हम क्या है, ये बताओ तो हमें पहले हम जानना चाहते हैं हम क्या है। अगर हम हिंदू तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा हम हिंदू हैं, नहीं तो हम भी दलित पिछड़ा और उन लोगों की गिनती में आ रहे लगता है। हिंदू के बराबर क्या है तो याद रखना साथियों, ये लड़ाई दिमाग की है थोड़ा सा बदल कर लड़ना, ये लड़ाई वोट के साथ साथ दिमाग की भी है। बताओ समाजवादी से ज्यादा क्या काम किया है आपने हमें बताओ। समाजवादी लोगों का इतिहास उठा करके लोगों को महासंकल्प की बिजली बनाने का काम किया है। और आप कहते हैं बिजली बन जाए, कार ना हो, स्टेशन ना हो, ट्रांसफॉर्मर ना हो, तो घर में बिजली पहुंचेगी। अगर किसी ने स्टेशन बनाए हैं, किसी ने ट्रांसफॉर्मर बेहतर किए हैं, तो समाजवादी लोगों ने बनाई जिस सरकार में बिजली का इंतजाम बेहतर करने के लिए किया है। वैसे तो चुनाव में आया था आपके बीच में, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि ये नोटबंदी से कोई काला नहीं आने वाला, नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला। लोगों ने हमसे ज्यादा बीजेपी पे यकीन कर लिया। हम आज आपसे पूछना चाहते हैं बताओ, दोबारा चुने ने उस समय कहीं नाज भी कहता हूँ, मैंने उस समय कहा था इसी मैदान में कहा था कि हमारा नोट
जो हो रहा है वो नोट दादा सिरे नहीं हो रहा है, अगर कोई चीज तारी सिरे होती है तो हमारा आत्मा लेन देन दादा सिरे होता है। बताओ आपके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं, आपके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, लूट कितनी बढ़ गई है, हम समाजवादी लोग दुकान में बोल रहे हैं, आपके विधायक और आपके मंत्री कह रहे हैं धरना देकर आपके ऊपर ताल लगाने का काम कर रहे हैं। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के लिए बढ़ा और भ्रष्टाचार जितना बढ़ा ये हम लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, अब पकड़े कैसे जाएंगे ये बताओ हमें, और जो रुपया आप जमा हुआ था वो लेके गए, याद रखना ये रुपया किसी अमीर का नहीं गया है, जो पैसा गरीबों से जमा हुआ था वो सब ऐसा पैसा बैंक के माध्यम से उसे रुपये लेकर के निकल गए, लेकर के चले गए, वोट देने वाले नहीं है उनमें से, हमें तो वो दिन याद है समाजवादी साथियों को याद होगा, अगर कोई समय याद होता तो हमारा रिश्तेदार बता दिया जाता था, कोई समय में हो, कोई समय में हो तो हमारा रिश्तेदार है, अब मैं जानना चाहता हूँ ये रिश्तेदार किसके लिए बोला जा रहा है, जब बच्चों की जान चली गई, इसी अस्पताल में बच्चों की जान चली गई और इसलिए जान चली गई क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिला की तो आज वो बच्चे जान नहीं था कि बच्चों को जिंदा देख सकते थे, मैं उनकी मां से मिला हूं, मैं आकर के गोरखपुर में उनकी मां से लेने का काम किया, वो विचार कर रहे थे हमारा बेटा आएगा बेटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेटे की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, एक परिवार जिसके दो जिंदा बच्चे हुए, इतने वर्षों के बाद दो बच्चे हुए, लेकिन वो उनकी भी जान इसीलिए चली गई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं दे पाया, हम समाजवादी ने कभी भी बच्चों को जान जाने वालों को कभी अपने हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखा, हमारी सरकार समाजवादी कह रही होगी तो हमने कहीं से भी पैसे का इंतजाम किया होगा तो उन बच्चों परिवारों की मदद करने का काम किया है, इस बार सरकार नहीं कभी हम समाजवादी लोग और अपनी पार्टी के खजाने से पैसा उनको को मदद करने का काम किया, हम उनका कल्याण से काम कर दी, अगर हम मदद कर लेते थे तो ये एक चश्मा लगा लेते थे ये हिंदू है ये मुसलमान है, बताओ अगर बच्चों की जान चली गई कितने परिवारों की आपने मदद की है, कितने परिवारों की मदद की है, पुरानी सरकार ने एक साल में दिया हो तो बड़ा तो हमें ये भाग्य जनता पार्टी के लोग समाजवादी सरकार में बच्चों के मेडिकल कॉलेज में वार्ड बन रहे थे, मेडिकल कॉलेज में अलग विंग बन रही थी, आपने कितना पैसा लेने का काम किया पिछले एक साल में मैं बता दूं, ये गोरखपुर से देवरे वाली सड़क बनने वाली चौड़ी बन रही बताओ कितना पैसा लिया आपने इसमें, और देवरिया से सलीमपुर बनने वाली सड़क में पैसा कितना दे दिया ये भी हमें बता दूं, आप देखिए बिल्डिंग बनाई है तो कमरे बनाए हैं हॉल बनाया है,
तो कभी कभी से जब हम बटन दबा करके बताना चाहिए हम आबादी में जा रहे हैं, और अगर आबादी में जाकर नहीं हो तो भूल जाना कि कभी कोई और भी लड़ाई तुम्हारे लड़ेगा। ईमानदारी से सब लोग एक होकर करके बताओ दिल्ली वाला एक हमें बता दो, दिल्ली वाला काम जो गैस सिलेंडर वाला था वो सिलेंडर खाली पड़े हैं, कोई भरने वाला नहीं है सिलेंडरों को, कोई सिलेंडर भरने जा रहा हो बता दो हमें, कोई उत्तर प्रदेश की सरकार का एक काम हो बता दो। इतने साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं ये चुनाव हम सबके सम्मान का चुनाव है, और नौजवान साथियों कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री की आवाज जो दे रहे थे अगर किसी ने सम्मान किया तो जनता पार्टी के लोगों ने सम्मान छू लिया। हम नहीं कहते नौकरी निकालिए, जितनी नौकरी है उतनी निकालिए, लेकिन किसी की नौकरी मत छीनिए। यही बार हमने देखा था टीवी की तस्वीर, न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने लाठी पड़ी थी, शिक्षा मित्रों को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मदद होगी या नहीं होगी हमारी लेकिन समाजवादी सरकार ने 100 नंबर देकर के गरीबी की मदद करने का काम किया था कि अगर गरीब तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर खेत में है, कहीं भी है, अगर फोन कर भेजा था तो 10 मिनट में पुलिस उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया। किसान भाइयों, हमारे गरीब मजदूर भाइयों, आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं, तो इस चुनाव में एक होकर के हम समाजवादियों की और चुनाव जीतने की मदद कर देना। और ये पहली बार समीकरण बना है, ऐसा इतना वोट इकट्ठा पहली बार हुआ है, किसी गले में निकल जाओ, गांव में निकल जाओ, कह रहे कि वोट तो आता है हम बात से ही, इतना वोट भी इकट्ठा हुआ होगा तो बता दो हमें। ये इंसान ताकत लगा रही है, धूम की ताकत लगा रही है, प्रशासन की भी ताकत लगा रही है, लेकिन जब जनता की नजर पड़ती है तो कोई ताकत नहीं करती है, कोई ताकत जनता के सामने नहीं करती है। एक बार जाकर के साइकिल चुनाव चिन्ह को सम्मान बनाने का काम करेंगे। इसको के साथ हम अपने नौजवानों से जरूर कहना चाहते हैं, आपके लिए नौजवान साथी याद रखना, अगर आप समाजवादी को जिताओगे तो तैयार इतिहास बनेगा, समाजवादी पार्टी के प्रवीण को जिताओगे तो तैयार इतिहास बनेगा। ये नौजवान है, आपका सम्मान करेगा, आपका साथ चलने का काम करेगा, इसलिए इसकी मदद करना।
लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से जो चल कर आए हैं, आप सभी साथियों का बहुत सारा आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के समाप्ति के बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि एक बार फिर से इस उपचुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, इसे भी जनता एक सिरे से खारिज कर देगी। उन्होंने कहा कि यह जनता की बुद्धिमानी और वह सिर्फ भाजपा को ही वोट देगी क्योंकि जनता को विकास पसंद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रदर्शन के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल अंग्रेजी माध्यम के प्रत्येक ब्लॉक में 5 एवं प्रदेश में कुल 5,000 विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में पढ़ाई तो सभी विषयों की होगी लेकिन उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल महंत नहीं है बल्कि एक जननायक भी हैं। जनता से सीधा उनका जुड़ाव रहता है, ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। जनता निश्चित ही भाजपा के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। यह देश का और हम सबका परम सौभाग्य है कि देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में देश और प्रदेश दोनों में विकास की गंगा बह रही है। देश के इतिहास में पहली बार शासन की नीतियां परिवार और जाति के आधार पर नहीं बल्कि गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी के इंसान नौजवान किसान और महिलाओं को और वंचित तबकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 11.5 महीनों की सरकार चली है उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने को यह सुनिश्चित हो गया है कि एक पारदर्शी लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार उनको मिल गई है जहाँ पर सीधे जनता का संवाद सरकार से है और सरकार का संवाद जनता से है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक मंत्रालय का प्रत्येक मंत्री दिन रात अथक परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का चेहरा बहुत दिनों से जिसकी चाहत थी उसको बनाने में लगा हुआ है। चाहे मेरी बात हो, मेरा अपना विभाग हो या अन्य विभाग हो, मैं देखती हूँ सारे के सारे मंत्री निरंतर काम करते रहते हैं और यह संदेश दिया है कि मंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना कोई मौज मस्ती के लिए आराम के लिए नहीं है बल्कि आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया है तो वो काम आपको करना है। शक्तिपीठ की सीट रही है। विगत 5 बार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद के रूप में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। उससे पहले ये सीट परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में चलती थी। तो यह यहाँ पर किसी भी तरीके का गठजोड़ कोई समीकरण जाति बिरादरी ऊंचा नीचा या किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपरा नहीं है अगर ऐसी किन्हीं चीज़ों का यह केंद्र नहीं। यहाँ की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। गांव गरीब के जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि हमारा हित किसमें सुनिश्चित है और सदैव उन्होंने अपना जो मोहर है जो अपना मत है वो
सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया है। और इस बार भी आदरणीय उपेंद्र शुक्ला जी, जो पार्टी के बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तमाम उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया है, संगठन के बहुत अच्छे संगठन करता रहे और संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गोरखपुर की जनता से अपना संवाद बनाए रखा है। उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और हम सब पूरी उम्मीद करते हैं और यह तय भी है कि इस बार भी गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनकर जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे जो सदन में रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी की भूमिका में जाकर निभाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केवल गोरक्षपीठाधीश्वर है इस नाते ही नहीं, उन्होंने एक जन नायक और जन सेवक के रूप में हमेशा गोरखपुर की जनता से अपना संवाद कायम किया है। सीधा जुड़ाव उनका जनता से, जनता उनको अपने से सीधा जुड़ा हुआ समझती है और यही कारण है कि उनके इन्हीं सारे प्रयासों का यह परिणाम रहा कि एम्स आज गोरखपुर में आ गया है। आदरणीय अभी अपने विधायक जी बता रहे थे कि चिड़ियाघर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, चाहे प्रक्षागर की बात हो, चाहे बंद फर्टिलाइजर उसको खोलने की बात हो, तो एक हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े, गोरखपुर के नौजवान को, किसानों को उचित दाम पर और समय पर खाद उपलब्ध हो जाए, इसके लिए जो फर्टिलाइजर को दोबारा से ओपन कराने का काम किया गया है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम संभव हुआ है। तो देश और प्रदेश के अलावा पूरा विश्व आज भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी ही आशा भरी नज़रों से, बड़े सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ले रहा है, देख रहा है। तो गोरखपुर हो चाहे फूलपुर है, मुझे लगता है गोरखपुर से और फूलपुर दोनों में ही गोरक्षपीठ का एक बार पुनः डंका बजेगा, फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा, ऐसी हम सब कार्यकर्ताओं को पूरी आशा। शिक्षा विभाग बड़ी ही जर्जर स्थितियों में हम लोगों को प्राप्त हुआ था और बेसिक शिक्षा विभाग का मतलब होता था, प्राइमरी पाठशालाओं का मतलब होता था एक सरकारी स्कूल और सरकारी कहकर उससे पल्ला झाड़ लिया जाता था, लोगों का उसके प्रति कोई भी आकर्षण नहीं था। लेकिन आज मैं जहां जाती हूं, लोग पूछते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या हुआ, आपने कहा था ये अभी नहीं हुआ, आपने कहा था ये करेंगे, इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बातें उठने लगती हैं, जब इस तरह की प्रतिक्रियाएँ आने लगती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, हमसे कुछ करने की अपेक्षा है और तभी हमसे हमारी जिम्मेदारी का याद दिलाते हुए हमसे पूछा जा रहा है। मैं सदैव आलोचनाओं को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेती हूँ, क्योंकि अगर हमसे कुछ लोगों की आशाएं नहीं होगी तो हमसे कौन पूछेगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 11.5 महीनों में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। पहले वो चीज़ें जो निःशुल्क बच्चों को उपलब्ध होती थी, सरकारी पैसा कहा जाता था, लेकिन सरकारी पैसा भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, उस पैसे की उसकी एक एक पाई का उपयोग हो, इसका हम सब ने पूरा प्रयास किया है और इसी कारण वो पाठ्य पुस्तकें, वो बैग्स जो बच्चों को जुलाई में मिलने चाहिए थे पुरानी सरकारों में, और पिछले ही बार हम पिछला सेशन लें उसमें जाकर दिसंबर में उपलब्ध हुए थे, हम बीच में सरकार में आए, हमने उसको समय से बच्चों को अगस्त माह के अंत तक बच्चों की कॉपी किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों के बैग्स उन तक समय से पहुंचाने का काम किया है ताकि उनकी किताबों का सदुपयोग हो सके, ऐसा ना हो कि सत्र बीत जाए और किताबें फिर वो कूड़े का ढेर बन जाए और कबाड़ में बिक जाएं, जैसे कि कई जगह खबरें आईं मेरे ही शासनकाल में, हम लोगों की जब ये सरकार चल रही है उस पीरियड में ही, कि भला गोदाम में किताबें पड़ी थी, दीमक खा रहे थे या किताबों को जलाकर चाय बनाई जा रही थी। तो ये एक एक पैसा जो भी सरकारी, चाहे सरकारी पार्क हो, कुछ भी हो सरकारी, ये सब जनता की कमाई का पैसा होता है, इस पर सरकारी का लेबल लगाकर उसको उपेक्षा से छोड़ देना ये हमारी सरकार का काम नहीं है। और साथ ही सरकार ने 3 नई और घोषणाएं की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने का काम किया, बड़ी कड़ाई से सख्ती के साथ निपटने का काम किया, उसके साथ ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे जो
बेसिक विद्यालय में पढ़ रहे थे उनके लिए बड़े करुणापूर्ण भाव से हमसे कहा कि हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश में जूता, मोजा और स्वेटर देने का भी काम करें। हमने बच्चों को ये तीनों चीज़ें, जूता, मोजा और स्वेटर, ये भी तीनों मुहैया करने का काम किया है। अगले बार हम 5,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल लेकर आ रहे हैं, इस सत्र से उनका शुरुआत उनकी हो जाएगी। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के पीछे भी खाली एक धारणा है, अभिभावकों का रुझान। ये देखा गया, या जब भी मैं जाती थी तो पास में कोई छोटा सा मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा होता था, जहाँ पर 3,000, 4,000 और 5,000 पर लोगों को रखकर पढ़ाई कराई जा रही थी। अंग्रेजी मीडियम के नाम पर लोग वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इसलिए वो सुविधा उनको हमारे सरकारी विद्यालयों में मिल जाए, बिना फीस के मिल जाए, इस नाते अभी हम एक मॉडल के तौर पर हर ब्लॉक में 5 और पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हिंदी संस्कृत भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी भाषा के रूप में, लेकिन माध्यम अंग्रेजी होगा। तो एक ये भी एक प्रयोग हमारा है, और मुझे लगता है कि अभिभावकों के रुझान को देख कर यह सफल होगा, और ये सफल हुआ तो इसे हम और आगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि पहली बार परिवार और जाति से ऊपर होकर विकास की राजनीति हो रही है। लेकिन अगर मेरा घर, मैं मान लीजिए मैं जायसवाल, तो मैं अपने घर से तो शुरुआत करूँगी, साथ लेकर चलेंगे। तो अगर निषाद जी आएंगे तो जाहिर सी बात है निषाद तमाम रिश्तेदार होंगे, उनके मित्र होंगे, तो एक बार चाय पानी का तो ये हक उनका तो बनता ही बनता है। फिर ये पूरा हमारा, अब आप घूमने चलेंगे तो बगल में बात करेंगे सीताराम जायसवाल जी के साथ, आप मत बैठिए, ये मेयर है यहाँ पर, बहुत खाना मेरा इनका घरेलू नाता है। बगल में आ जाओगे राधा मोहन अग्रवाल ने बात करेंगे, आप वैश्य हैं तो हमारे विधायक रहे, तो हम अपने घर से तो शुरुआत करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का एक एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति जाति का हो, वो उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है। एक एक व्यक्ति हमारे लिए अनमोल है, एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, उसका उसकी समृद्धि और उसका विकास हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री जी, आपके पास उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी है, बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अंग है बाल विकास पुष्टाहार का, और हम लोग उनकी जो सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एक बड़े भारी पैमाने पर आंगनबाड़ियों में जाकर हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी इनका जो मानदेय है उसको हमने समय से भेजने का काम किया है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी इनका मानदेय कोई बकाया रह गया है। इस समय ये हड़ताल पर रही, निश्चित रूप से जब उन्हें पहुंची नहीं अपने सेवा स्थान पर तो इनका मानदेय रुका, लेकिन उस मानदेय को भी हमने इनके आगे के आश्वासन पर भी हम इस तरह से कोई हड़ताल नहीं करेंगे उसको भेजने का काम किया। किसी भी आंगनबाड़ी का कोई भी पैसा नहीं मारा जाएगा। बसपा का समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट है, क्या समीकरण का कुछ? बड़े हल्के अंदाज से आपने पूछा कि बसपा का सपा से सपोर्ट, आप बता दीजिए, उसी से मुझे लगता है कि कितना हल्का ये सपोर्ट है। तो अब मैं इस पर क्या कहूँ, लेकिन बसपा साथी को हम लोगों ने साइकिल पर बैठते कहीं देखा था बचपन में, मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद सर्कस में देखा। अच्छा, सीताराम के भाषण में सुना। तो अब हाथी साइकिल पर बैठेगा ऐसा सर्कस में देखा था, और अब तो नहीं उतनी फुर्सत रहती है तो, लेकिन अब मुझे लगता है ऐसी साइकिल पर बैठना है जिसे 11-11.5 महीने पहले भाजपा ने पंचर कर दिया था, हवा निकाल दी, अब उस साइकिल पर हाथी बैठने जा रहा है। तो चलिए एक जाते जाते एक नज़ारा, एक तमाशा सर्कस का हम लोग ये भी देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँ कि अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले ही पीछे जाएं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, दोनों लोगों ने खूब नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की, और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर छपे आदरणीय राहुल गांधी की 27 साल यूपी बिहार, और उसका नारा देते देते अंत में इसी तरह के एक गठजोड़ तब भी हमने देखा था कि 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले उसी बिहार यूपी को करने वाले से गठबंधन करा, एक नया पोस्टर छप गया और उस पोस्टर पे दोनों राजकुमारों की फोटो अब छप गई, और नया नारा लिखा कि यूपी को ये साथ पसंद है। तो यूपी को साथ खूब पसंद आया, दोनों को अलग अलग निपटाना नहीं पड़ा, 1 साल जनता ने दोनों राजकुमारों को निपटाने का काम किया। अब
फिर उसी तरीके का ये गठबंधन गिरा गया। अब एक साल में इतनी बेवफाई मुझे लगता है ठीक नहीं। इससे हमने पहले 27 साल बिहार की नीति को सार पसंद है, एक साल पहले हमने किया, आज कह रहे हम अलग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो एक तरफ तो एक से बेवफाई, और उनके लिए मैं क्या कहूँ कि गेस्ट हाउस में जिसने की उसवाई उससे फिर दिल लगाई। अब ये तो ईश्वर जाने कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर प्रार्थना करूँगी कि कभी आदमी अपनी कहते हैं कि ना साइन सिग्नेचर और नेचर कभी बदलता नहीं है, लेकिन इस बार बदले दोनों का व्यवहार और गेस्ट हाउस जैसा कांड दोबारा हम लोगों के सामने ना आए, बस मैं ऐसे ही प्रार्थना करूँ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन महानगर के टाउन हॉल स्थित एक स्थानीय होटल में किया, जिसमें उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता को गुमराह कर रही हैं और उन्हीं योजनाओं को अमल में ला रही हैं जिसका कभी विरोध स्वयं विपक्ष में रहकर उन्होंने किया था। इस संदर्भ में संजय सिंह ने कहा उसका चुनाव होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन जो इन लोगों के वादे थे चुनाव के पहले, वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो, महंगाई की स्थिति थी वो, विकास दर थी वो, बेरोजगारी की जो हालात थे वो, देश में जो शांति की स्थिति वो, देश में हमारे बॉर्डर्स पे जो शांति थी वो, किसी भी मापदंड में ये बहुत ही नीचे सरकार गई कि आने वाले इस बाई इलेक्शंस में भी जो प्रदेश के हालात है उसको देखते हुए, देश के हालात देखते हुए जनता कांग्रेस की तरफ मुड़े। अभी अलायंस की भी चर्चा हुई और अलायंस में कई तरह से पत्रों ने भी और हमारे मीडिया के साथियों ने भी तरह तरह के कमेंट किए, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी का निर्माण जब हुआ था उस समय धर्मनिरपेक्ष की भावना को, धर्मनिरपेक्षता की वैल्यूज को, इस देश के विभिन्नता को, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, देश के तरह तरह की भाषा, तरह तरह की जाति, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के रीति रिवाज, तरह तरह के इनके रहन सहन के तौर तरीकों को देख करके कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमियां रही कि यहां बसपा आ गई, कहीं न कहीं कोई खामी थी, यहां सपा आ गई। पीछे भी हमने विधानसभा के चुनाव में अलायंस की बात की जिसे जनता ने नकार दिया। आज हमने पार्टी ने, पार्टी नेतृत्व ने फिर वही रास्ता अपनाने का फैसला किया है कि जनता की जैसी इच्छा हो हम जनता के साथ चलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से, बसपा से भी चर्चाएं हुई, इस चुनाव के पहले चर्चाएं हुई मुझे जानकारी है, लेकिन कौन कहां कैसे क्या चाहता है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो अलायंस सपा बसपा का हुआ लगता है कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों में एडजस्टमेंट के लिए अलायंस हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि एक स्वार्थ का एक उदाहरण है। हम जनता की भावना के साथ चलना चाहते हैं, ऐसा हमारी पार्टी का स्टैंड है। बुधवार को पार्क रोड स्थित एक होटल में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन है। दोनों पार्टियों ने मिलकर लोगों की उपेक्षा की है, यह गठबंधन किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वर्ष 2014 और 2017 के गठबंधन को जनता करारा जवाब दे चुकी है, आज भी जनता इसे एक सिरे से खारिज कर देगी। आज थोड़ा पीछे, सबसे पहले
पहले तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ लगातार लोगों से जो बातचीत हुई, अभी भी जैसा मैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम सब लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और जो उत्साह यहाँ पर लोगों में है, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्री उपेंद्र दत्त शुक्ला जी जो हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगे। और जो दोनों कई दल में कह सकता हूँ कि जो मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह गठबंधन उनका काम नहीं आएगा। और लोग चूंकि जानते हैं कि अवसरवादी गठबंधन यह सब लोग किया करते हैं, जनता के हित के लिए वह कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं, बल्कि जब अपना हित साधना होता है तभी ये सारे दल एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ से कई बार वह सांसद रहे, यहाँ के लोगों की समस्याओं को उचित जगह पर उठाने का और उसका निस्तारण कराने का काम किया है। मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से गोरखपुर की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा उत्तर प्रदेश को एक व्यक्तित्व और एक मुख्यमंत्री नेतृत्व गोरखपुर से मिला है। मैं यहाँ के जनता का भी बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मात्र 11 महीने के कार्यकाल में मैं कह सकता हूं कि लगभग हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में, हर क्षेत्र में काम किया है, शुरुआत की है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं, अनेक क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बहुत उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि एक मुख्यमंत्री के रूप में, नेतृत्व के रूप में जो विश्वास उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का अर्जित किया है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि आज भारतीय जनता पार्टी की है। और आज उनके आशीर्वाद से उपेंद्र शुक्ल जी यहाँ पर आज प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी। मैं ये कह सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी की समस्या को मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश से ही साफ कर देना, बेरोजगारी की समस्या ही न रह जाए, इस दिशा में यह सरकार काम की है, काम कर रही है। यह बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ मात्र 11 महीने के कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद द्वारा महिलाओं का समाज में योगदान विषयक गोष्ठी का आयोजन बुधवार को आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य कर उपायुक्त राजी सत्यार्थ, समाज सेवी विमला दास, संस्थान की अध्यक्ष आशा रुंगटा, मधु कामयानी, डॉक्टर उषा कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन राय, मनीष खंडेवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं ने वंदे मातरम की प्रस्तुति भी की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज में महिलाओं के योगदान पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। Thank you.
जिसमें हमारी गुप्त गति बहुत सौभाग्य का विषय है और हम एक गीत को अनुरोध करेंगे समीक्षा मैम से। जैसे मक्खी पूरा शरीर सुंदर है लेकिन जहां फोड़ा रहेगा वहीं बैठती है, वो अच्छे जगह पे नहीं बैठती, वो फोड़ा ढूंढ के बैठती है। तो निगेटिव चीजों पे ध्यान देने वाले को आपका मन स्वस्थ नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहा करता। मेरा मानना है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, विचार शुद्ध रखिए, जहां कुछ बुराई भी है उसमें एक अच्छाई ढूंढ लीजिए। दुनिया का कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि एक कर्म में दोनों व्यू न आते हो, वहां अच्छाई भी दिखेगी और बुराई भी दिखेगी। तो यह वृत्ति अगर अपने अंदर आप ला लेते हैं तो मैं समझता हूं ये जो कन्या स्वरूपा हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, जो हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन अभी नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि विद्या समस्ता अस्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तवई गया पूरी तम तवई तत्ते स्तुतिष्ठव्य परापरोक्ति, देवी के जितने अंश हैं जहां जहां स्थान है शक्तिपीठ है सब एक उस परम्बा भगवती जो जगत जननी जगदम्बा है उसी के विविध रूप है, अलग अलग रूप है। मान लेते हैं कि वो न चाहे विवाह उत्पन्न करने के बाद दूध पिलाना तो भी उसकी व्यवस्था है, क्योंकि दूध बनना शुरू हो जाता है वो रोक ही नहीं सकती, उसको दूध पिलाना ही पड़ेगा तभी उसे सुख मिलेगा, नहीं तो उसे खुद परेशान हो जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गोरक्षनगर मंडल के तत्वावधान में प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के स्वागत समारोह का आयोजन मोहरीपुर में किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों द्वारा मंत्री का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष उमेश चंद श्रीवास्तव, युवा व्यापारी मंडल के संतोष जायसवाल उर्फ राजन, चंद्रभान पासवान सहित अन्य पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि ये पूरा क्षेत्र भाजपा का ही है, इस क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि गठजोड़ से विकास नहीं होता, विकास करने के लिए विकास करना भी पड़ता है, इसके लिए प्रदेश की जनता विकास के नाम पर बीजेपी को वोट करेगी और यहां से प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारी मतों से विजयी बनाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में कहा, माला पहनते हुए चेहरा इधर कीजिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा चेहरा इधर कीजिए, जानते हो पुरस्कार पहचाना श्रीमती अंकित स्वागत अभिनंदन वंदन है, जाति समीकरण चाहे कोई हम हमेशा ये विश्वास रहता है कि मोहनपुर क्षेत्र से भाजपा हमेशा ऐतिहासिक मतों से जीती है। अभी मेरी अपनी विधानसभा में हम लोगों को यहाँ से 42 करोड़ प्राप्त हुआ था, तो जातीय रचना जिसको जो करनी हो सके समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, किस पार्टी को छोड़ दल है सबसे जितने दलों को मिला हो मिले, गोरखपुर की राजनीति का जो कहीं गणित है और कहीं नागरिकों की समझ है ये सब जाति बदलने से दूर रह करके राष्ट्रवादी राजनीति से होते हैं। एकदम सही आपने कहा है, यह एक पीड़ा है, यह उनकी छटपटाहट है अपनी स्थितियों से उबरने की, लेकिन चाहे गोरखपुर की बात हो चाहे फूलपुर की बात हो, दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों के साथ विजयी होगा। और जहां तक कि गोरखपुर की बात कहें तो लगातार 5 बार से योगी आदित्यनाथ जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। इससे पहले भी ये सीट परम पूज्य वैद्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ का नेतृत्व होता रहा है, और जिस तरीके से 11.5 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है
उसको देखते हुए जनता ने सुनिश्चित कर दिया है कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। विपक्षी चाहे जितनी ताकत लगा लें, और ठीक है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उससे लड़ने में और मज़ा आता है और हम इस पूरा आनंद लेंगे इसका। लेकिन विजय की वरमाला भारतीय जनता पार्टी के ही गले में जाए। कुछ जानती है, आप खुद ही बात कर रहे हैं कि गेस्ट हाउस कांड के बाद इस तरीके का गठबंधन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बात के बाद अगर गठबंधन हो रहा है तो उसके पीछे क्या है। लेकिन ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया। मैं तो यही शुभकामना करूंगी कि दोबारा गेस्ट हाउस कांड की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और एक गेस्ट काउंट जो कांड हुआ था वो भी एक महिला के ही साथ हुआ था। तो मैं यही शुभकामना करूंगी कि गठबंधन हो लेकिन दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी सावधानी दोनों ही रखें तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि मुझे गेरुआ और मंदिर भी गोरक्ष भी से डर लगता है, तो क्या कहेंगे इस पर? अब भारत में रहकर और कोई गेरुआ वस्त्र और गोरक्ष पीठ से डरता है तो ये डर उसकी कमजोरी को साबित करता है। चाहे गोरक्षपीठ धाम हो चाहे गेरुआ वस्त्र हो, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि तिरंगे का पहला रंग भी गेरुआ है। गेरुआ तो संघर्ष और त्याग और वीरता का और सद्भाव का प्रतीक है। तो अगर उन्हें डर लगता है तो उन्हें कारण अपने अंदर तलाशने चाहिए। मुझे लगता है कि उनके अंदर की कहीं कमजोरी है, कहीं कोई डर बैठा है, उस डर को किसी मनोचिकित्सक से निकलवा लेना चाहिए तो बेहतर होगा। देखिए, उन्होंने ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा उसे देखना चाहिए। त्रिपुरा में वास्तव में जो पूर्वोत्तर में अपनी सरकार बनी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये था कि कभी भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी सरकार नहीं बना सकती, तो ये बहुत बड़ी विजय है, विजय का जश्न है। और वास्तव में उन्होंने हमने वहाँ पर भाजपा की सरकार की स्थापना करके ये तो साबित कर ही दिया है कि कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक पूरे भारत में एक तरीके से देखें तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली आ रही है। ये इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि ठीक कहा। मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे ने कहा कि मतदान की सफलता पीठासीन अधिकारी की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मतदान के पूरे दिन 11 मार्च को अपना मोबाइल शांत रखें, केवल जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देने एवं रिपोर्ट भेजने के लिए इस्तेमाल करें और आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में डायरी भरें, रिपोर्ट दें, समय समय पर रिपोर्ट भेजते रहें। मनमाना रिपोर्ट ना हो बल्कि तथ्य पर ये आधारित हो। बूथ पर आने वाले अधिकारी को विजिट बुक भरने को कहें। कार्मिकों को संबोधित करते हुए उप निदेशक बचत विजयनाथ मिश्र ने बताया कि 10 मार्च को प्रातः 7 बजे उन्हें विश्वविद्यालय में आना होगा, जहाँ उन्हें ड्यूटी वाले मतदेय स्थल की जानकारी दी जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त होगा और क्रीड़ा संकुल से बस द्वारा ले जाया जाएगा। रवाना होने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उन्हें सारी मतदाता सूची प्राप्त हुई है और वापस विश्वविद्यालय आकर उन्हें ईवीएम को जमा भी करवाना अनिवार्य है। करके दिखा दीजिए मतों की गणना करवाने के बाद, और इसके बाद आप बीजी पर्चियों को बाहर निकालेंगे और एक एक करके आप काउंट करेंगे, वो रोक कर लेंगे, आप भी उसको रोक कर लेंगे। दूसरा काम आपको करना है कि क्लोज बटन दबा करके आप तत्काल मतदान को बंद करेंगे, एक को दबा करके और फिर उसकी जिस तरीके से सील करने की कार्रवाई आपको बताई गई है उस तरह से करके फिर आप दूसरी मतलब बहुत सावधानी से भरना है। और जितने तरह के आपको पेपर्स हैं, जैसे मैंने जो एक लिपलेट आपको मिला है आज के सेशन के कहने में भी रहेगा, सावधानी बरतना यह है कि ईवीएम मशीन के साथ आपको क्या क्या जमा करना है। ईवीएम मशीन के साथ 10 तरह के प्रपत्र हैं, उसको पहले आप लिफाफे में रख करके ईवीएम मशीन के साथ वाले
जो प्रपत्र है उनको एक तरफ करिए, इसके बाद सामग्री लिफाफा तैयार करिए, उसको सील करिए और सामग्री लिफाफा का जो बड़ा बड़ा पैकेट मिला है उसमें सारे पांचों तरह के प्रपत्र को रख करके सामग्री लिफाफा सील करिए, फिर असामग्री लिफाफा बनाइए और अलग तरह का जो प्रपत्र है वो सब बना करके आप लेकर के हमें वाहन से यहाँ पर, जैसा आपको बताया गया था कि जिस वाहन से आप जाएंगे उस वाहन को आप यूनिवर्सिटी में ही ला करके आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट में ही अगर जाम की स्थिति आती है तो ये नहीं लगा कि पैरलेगन चौराहे या छासन चौराहे पर आपने बस को छोड़ दिया। व्यवस्था ये की गई है कि आप अपने अपने वाहन जो आपका नियत वाहन है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेकर के आएंगे और यहीं पे अपनी सामग्री के साथ उतर करके जो भी 150 मीटर की दूरी है आप पहुंच करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना सामान जमा करके इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे निर्भर है, वो अगर अच्छे से पोलिंग करवाना है और रिकॉर्ड अच्छे से भरना है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अगर आपने डायरी में कुछ गलत लिख दिया, मान लीजिए आपके जैसे प्रोफॉर्मा में भी है कि आपके बूथ में 1000 वोटर्स हैं और 700 टोटल नंबर ऑफ वोट 700 हुए, अब जब आप डायरी लिखेंगे उसमें 700 में से 400 पुरुष और 300 महिला है तो ये 400 और 300 इज इक्वल टू 700, ये मैच होना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव बुधवार को रेलवे स्टेशन रोड स्थित यूनियन सभागार में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी और यूनियन के प्रांतीय प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह की देखरेख में दिनेश मणि मिश्र क्षेत्रीय अध्यक्ष, अजय पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सूबेदार सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रत्नेश पांडे क्षेत्रीय मंत्री, अजय कुमार पांडे संयुक्त मंत्री, उमेश कुमार मिश्र संयुक्त मंत्री सहित कुल 15 पदाधिकारी सर्व सम्मति से चुने गए। इस दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को यूनियन के सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाइयां दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा, सुनिए बताए। क्षेत्र का क्षेत्रीय चुनाव था जो प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से हमें प्रांतीय सदस्य होने के नाते हमें अधिकृत किया गया था, तो मैं चुनाव संपन्न कराना है। देखिए क्षेत्रीय अध्यक्ष का मुख्य जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय मंत्री का, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष में दिनेश मणि जी का नाम घोषित किया गया है, सर्वसम्मत से चुना हुआ है,
और राजेश पांडे जी क्षेत्रीय मंत्री चुने गए हैं और कार्यालय अध्यक्ष जो है पांडे जी चुने गए हैं। समस्याओं से हमेशा मिलते जुलते कर्मचारियों से जो भी इनकी समस्या होगी तो अपने क्षेत्र स्तर पर इसका निस्तारण कराएंगे और जो क्षेत्र स्तर पर निस्तारण नहीं हो पाएगा उसको प्रदेश स्तर पर उसका निस्तारण करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद भवन के सामने मतदाता जागरूकता विषयक रंगोली बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह रंगोली 12:30 पर सभी को देखने के लिए खोली जाएगी। यह जानकारी स्वीप प्रभारी व अपर जिलाधिकारी भू राजस्व बलराम सिंह ने दी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को नोटिस जारी कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में उपेंद्र दत्त शुक्ल द्वारा 6 मार्च को राप्ती नगर पावर हाउस चौराहे के आसपास विद्युत के खंभों पर झंडे और झंडियों को लगाकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के जारी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन संबंधी निर्देश 7 अक्टूबर 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए मुस्तैद है। इसी के अंतर्गत सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च सुरक्षा के लिहाज से किया गया। इस मौके पर सीओ तारकेश्वर पांडे के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान कोतवाली से लेकर नखास खूनीपुर तक फ्लैग मार्च किए। यह फ्लैग मार्च जनता में यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि किसी भी गड़बड़ी को चुनाव के दौरान या उससे पहले प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। रवि विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूं क्रय केंद्र के लिए जिले में कुल 102 क्रय केंद्र खोलने की स्वीकृति जिलाधिकारी ने प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरएम पांडे ने बताया कि जिला प्रबंधक पीसीएफ यूपी पीसीयू यूपी एग्रो कर्मचारी कंपनी लिमिटेड सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी मंडी सचिव सदर चौरी चौरा सहजनवा समस्त केंद्र प्रभारी खाद्य विभाग बाट माप निरीक्षक क्षेत्र प्रबंधक को पत्र भेजकर केंद्रों पर गेहूं खरीद से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं तथा पोस्टर बैनर स्टेशनरीज इलेक्ट्रॉनिक कांटा नमी मापक यंत्र पंखा झरना बोरा किसानों को बैठने के लिए छाया पीने का पानी आदि की व्यवस्था करने को कहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्रीय रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर में बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे वीरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। सेमिनार में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी निरीक्षक व जवानों ने भाग लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य सुरक्षा आयुक्त वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से हम सभी बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं। सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर मुमताज खान पूर्व सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गोरखपुर ने अपने संबोधन में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को बच्चों के प्रति मौलिक कर्तव्य का दायित्व विस्तार से चर्चा किया।
इस शिविर में ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर संजीव मिश्र व अन्य चिकित्सकों ने 130 जवानों और प्रशिक्षकों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी। फसल ऋण मोचन के अंतर्गत गोरखपुर जिले में अब तक 41,800 कृषकों का फसली ऋण मोचन किया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बैंक व तहसील स्तर से ऑनलाइन प्राप्ति संस्तुति के आधार पर किसानों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना में कृषकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति अंतिम तिथि 10 मार्च 2018 निर्धारित की गई है। ऐसे ऋणी कृषकों का जिनका फसली ऋण अभी तक मोचित नहीं हो पाया है, उन्हें लगता है कि वे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, वे अपनी शिकायत 10 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तारण तुरंत किया जा सके। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के सामान्य निर्वाचन में मतदान हेतु यदि कोई सदस्य निरक्षरता, दृष्टिबाध्यता या अन्य असक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित कराने में सहायक साथी की मांग करता है तो उसे मतदान प्रारंभ होने से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देना अनिवार्य होगा। निरक्षरता की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उस सदस्य द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र पर भी किए गए हस्ताक्षर करने के ढंग के आधार पर सहायक साथी की अनुमति प्रदान की जाएगी। बुधवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर आतिफ क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 12 का एक मैच लक्ष्य स्पोर्ट एकेडमी और टीएनएम सहजनवा के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सहजनवा की टीम ने 25 ओवरों में 69 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य की तरफ से नीरज ने 5 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिए। 70 रनों का पीछा करने उतरी लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने बिना कोई विकेट खोए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। लक्ष्य की तरफ से सलामी बल्लेबाजी राज और उत्कर्ष ने नाबाद 22-22 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 10 विकेटों से जीत दिला दी। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर पहुंचकर भरी जीत की हुंकार, किया जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा की जुमलेबाजी से जनता है परेशान। गोरखपुर पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के 5,000 विद्यालय, सपा और बसपा के गठबंधन को जनता सिरे से करेगी खारिज। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता, कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है जनता को गुमराह। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सपा और बसपा में हुआ है ठगबंधन।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समाज में महिलाओं के योगदान विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। बेसिक शिक्षा मंत्री का हुआ नागरिक अभिनंदन, कहा विकास के नाम पर जीतेगी भाजपा। प्रशिक्षण ले रहे पीठासीन तथा मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रेक्षक ने मतदान के बारीकियों की दी जानकारी, कहा निष्पक्ष संपन्न कराते रहे मतदान। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न, सर्वसम्मति से चुने गए 15 पदाधिकारी। 8 मार्च को गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता विषयक रंगोली बनाओ कार्यक्रम का होगा आयोजन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल से 3 दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण। सीओ कोतवाली के अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। जिले में 102 गेहूं क्रय केंद्र खोलने की जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। जिले में 41,800 कृषकों का हुआ फसली ऋण मोचन, वंचित 10 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत। क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए कंपेनियन वोटिंग को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया सशर्त अनुमति। और आतिफ क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 12 में लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने TNM सहजर्मा को 10 विकेटों से दी करारी शिकस्त। तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।